हे गाइज, वेलकम बैक टू एम ब्रोज इंडिया। गाइज, आज रिएक्शन होने वाला है ट्रोल ऑफिशियल ट्रेलर अपूर्वा, तस्निया, फरीन, शताब्दी वदूद, एंड राशिद मेमन, अपू, संजय समद्दार। लेटेस्ट मूवी है जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ लगभग एक हफ्ते से दो हफ्ते हो चुके हैं। और मैंने लास्ट जो बांग्ला ट्रेलर इंडियन मूवी का हमने रिएक्शन दिया था, तभी हमने उसमें पूछा था कि कोई नए ट्रेलर रिलीज हुए तो प्लीज हमें लिंक शेयर कीजिए। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने लिंक दी है और हम उन्हीं लिंक्स पर रिएक्शन दे रहे हैं, जिनमें से एक मूवी है ट्रोल, जो कि एक थ्रिलर मूवी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये मूवी का ट्रेलर आप देखोगे तो आप माइंड आपका ब्लो हो जाए, मतलब। तो देख लेते हैं क्या है ये ट्रेलर, स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। टेक का ही है ये, बांग्लादेश लाइव टेक का ही है वीडियो। कंटेंट पार्टनर सिनेमैटिक। ओके, फ्लैशबैक सिस्टम शुरू हुई है। মানুষকে সেই আঘাত কেন দাও যে আঘাত তুমি নিজে নিতে পারবে না। স্ট্যাটাস আজকাল আজকাল অভিনয় করতে অ্যাক্টিং জানা লাগে না, কি লাগে? আমরা কি শিখলাম? যন্ত্রণা, এক অসহ্য যন্ত্রণা, নোংরা মানসিকতা তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয় ভিক্টিমকে। আমরা শিখলাম পাল্টা আঘাত সবসময় আঘাতের থেকে বেশি নিরাম। এই পাঁচজন ক্রিমিনালের চারজন পলাতক, 24 ঘন্টা আমাদের কাজ করতে হবে, কারো বাড়ি যাওয়া চলবে না। আমার না ঘুম হয় না, একটা বার নামটা কো ভাই, আমার এখানে নামটা কো ভাই। ওকে, ট্রেলার বহুত হি শানদার থা और एड ने हमारी बैंड बजाई, खैर वो अलग बात है। बाकी हाँ, ट्रेलर में जो दिखाया है वो सच में आउटस्टैंडिंग था यार, बहुत। मतलब कैसे ये ट्रेलर देख कर ऐसा लगता है कि हाँ यार, मूवी तो देखना ही पड़ेगी यार। एक वो एक वेब सीरीज है पाताल लोग, उसमें रहता हथौड़ा त्यागी, त्यागी वो वाला बिल्कुल फीलिंग है, लेकिन उससे भी खतरनाक लगा ये तो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक दो मर्डर दिखाया उसमें, तो ये तो भाई लगातार किए जा रहा है उसी उसी और एक ही पैटर्न में कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें इसका रीजन इस मूवी को देख कर ही पता चलेगा कि वो क्यों मर्डर करता है। यार सच में ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलर मूवी है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवी अच्छा बिजनेस करेगी। खैर, जो थ्रिलर मूवीज पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है आफ्टर लॉकडाउन। मुझे भी बहुत पसंद आती है इस टाइप की मूवीज जिसमें केस सॉल्व होते हैं, मिस्टीरियस केस। यार मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है थ्रिलर मूवीज जिसमें एंड में पता चलता है कि किस कौन है कातिल, क्या रीजन है, कौन है विलेन। तो सस्पेंस थ्रिलर मूवीज हमें बहुत ज्यादा पसंद है और ये भी उनमें से एक हो चुकी है। सबसे मेन बात जानने के लिए ये होगी कि उस जो बंदा किलर है उसकी क्या थ्योरी है, और मालूम है ये जो साइको किलर रहता है इनकी थ्योरी इतनी बेबुनियाद रहती है ना, वो सबसे बड़ा लगता है यार। एक वेब सीरीज आई थी असुर, असुर, उसमें भी कुछ अजीब थ्योरी थी, तो वो पाताल मतलब जन्म मृत्यु कुछ भी, मतलब ऐसी थ्योरी रहती है जिसका आज के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी थ्योरी रहती है। ऐसे हमने एक अभय वेब सीरीज देखी थी, उसमें भी एक बंदा सीरियल किलर रहता है, उसकी भी कुछ अजीब थ्योरी रहती है कि ये लाइक जो आजकल चल रहा है कि लड़कियां लड़के से, लड़के लड़के से करते हैं, वो इस टाइप की जो आज के जमाने में नॉर्मल है उन थ्योरी के ऊपर ही मर्डर्स होते हैं। कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है यार। तो हो सकता है इसका भी कोई ऐसे ही सस्पेंस निकले, कोई बड़ी कहानी ना निकले, अंदर पता चले कि कितनी टुच्ची बात पे साला मर्डर कर रहा है। ऐसा ही हो जाता है, ऐसा ही होता है जो सीरियल किलर्स रहते हैं ना, हो सकता है उसको नॉर्मली समझा के भी सॉल्व किया जा सकता था, ऐसी बात पे वो मर्डर कर रहा है। एक विलन मूवी में जो रितेश देशमुख मारता था, वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मारता था, क्योंकि उसकी लड़कियां इंसल्ट करती थी, हर कोई इंसल्ट करता था। हाँ, और लड़कियां जब इंसल्ट करती थी तो उसको ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि वो एक मर्द होता है उसमें। तो
उसका एक ये रीज़न होता है। बट इसमें क्या होगा ये बहुत जानने लायक बात होगी। वैसे ट्रेलर काफ़ी छोटा लगा मुझे, ट्रेलर छोटा था, इमोशनल पॉइंट भी बहुत ज़्यादा था इसमें, मदर वाला भी एक सीन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इस मूवी को देखना बहुत ही अचरज रहेगा, ये आपको एक सेकंड के लिए पलक नहीं झपकाने देगी मूवी, ये हम कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो ज़रूर देखने जाइएगा, जो भी थ्रिलर मूवीज़ लवर है वो बिल्कुल देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ, अब आप अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।